नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। घमासान.com और वामा साहित्य मंच के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, महिला अखिल भारतीय महिला साहित्य समागम, जिसका ये दूसरा वर्ष है। और हमारे साथ मौजूद हैं ज्योति जैन जी, तो आइए जानते हैं उनसे इस कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारियां। पिछले साल जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस साल जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, तो पिछले साल और इस साल के कार्यक्रम में क्या अंतर है? पिछले साल का अनुभव कैसा था और अभी क्या तैयारियां की जा रही है? पिछले साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमारे बीच में उषा किरण खान, सुधा अरोड़ा, इस तरह की बड़े अच्छे नाम थे, अचला नागर, कृष्णा अग्निहोत्री जी, ऐसी देश की जानी मानी लेखिकाएं हमारे बीच उपस्थित थी। और यकीनन उस वजह से जो यहाँ की जो लेखिकाएं हैं उन्हें और जो बाहर से लेखिकाएं उन्हें, सभी को एक सत्संग का मौका मिला। तो पिछली बार का जो इतना अच्छा हमारा समागम रहा, उससे हमारा उत्साह वर्धन ही हुआ है। तो इस बार हमने सोचा है कि उसको और बेहतर तरीके से, पिछली बार कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशियां रह जाती हैं कभी कभी कार्यक्रमों में, तो उन कमियों को दूर करते हुए हमने इस बार का हमारा यह आयोजन और अच्छी मेहनत के साथ हम लोगों ने किया है। इसमें मृदुला सिन्हा, मेहरुन्निसा परवेज और चंद्रकांता जैसी लेखिकाएं जो हैं वो उद्घाटन सत्र में हमारी अतिथि रहेंगी। इसके अलावा हम लोगों ने अलग अलग सेशन रखे हैं, सत्र रखे हैं, लघु कथा सत्र हैं जिसमें शील कौशिक और सीमा जैन जैसी लेखिकाएं हमारे बीच रहेंगी, जो लघु कथाओं की बहुत बारीकियां यहाँ पर रखेंगी। मुझे लगता है कि ये जो आयोजन है एक तरह से वर्कशॉप भी हो सकती है लेखिकाओं के लिए, क्योंकि जैसे एक कहानी सत्र रहेगा जिसमें गोवा से जयश्री राय हमारे बीच रहेंगी, दिल्ली से सुषमा गुप्ता और यहाँ की लोकल हमारी मीनाक्षी स्वामी हमारे बीच रहेंगी, वो कहानी के ऊपर चर्चा करेंगी। और कविताओं के लिए मेरठ से उषा किरण जी का नाम है, अलकनंदा साने हैं, तो इस तरह की कवि मालिनी गौतम है, तो इस तरह की कवित्रियां जो है वो हमारे साथ कविता सेशन में रहेगी। इसके अलावा हम लोगों ने जो महिला सुरक्षा को लेकर के अभी बातचीत हो रही है, बड़ा पूरे देश में एक ज्वलंत मुद्दा है ये, तो उस विषय पर भी हम एक परिचर्चा रखेंगे, टॉक शो रखेंगे, जिसमें हमारा यह प्रयास है कि उसमें हमारे यहाँ की कुछ पुलिस महिला अधिकारी शामिल हो और कुछ पत्रकार शामिल हो जो कि महिला सुरक्षा मुद्दों पर बात कर सकेंगे। इस आयोजन में कितनी संख्या में महिलाएं उपस्थित होने वाली है और कहां कहां से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं या हो सकते हैं? इसमें हम लोग का प्रयास रहता है कि पूरे भारत के अधिक से अधिक हिस्सों से प्रतिभागी आए। लगभग 200 लेखिकाएं एकत्र होंगी ऐसा अनुमान है, करीब 125 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उम्मीद है कि 25 से 40 के बीच में रजिस्ट्रेशन एक आध दिन पहले या उसी दिन होते हैं। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा दिल्ली, हरियाणा और भी कई जगहों से जो है वो महिलाएं यहाँ आ रही हैं जिनकी साहित्यिक अभिरुचि है। और मुझे लगता है कि वामा और वामा साहित्य मंच और घमासान.com मिल करके इसे और बेहतर हम बनाने का प्रयास करेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो भी साहित्य अनुरागी मित्र हैं, वो पुरुष भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं, तो आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आए और इस साहित्य समागम का अवश्य लाभ लें। धन्यवाद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।